हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पनीर की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सबकी फेवरेट होती है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। जैसे कि नाम ही शाही है, यानी इसकी ग्रेवी बहुत ही थिक, बहुत क्रीमी और रिच होती है और बनाने में बहुत आसान भी है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि घर पर ही आप रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर कैसे बना सकते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। बेसिकली ये टमाटर, प्याज और काजू की ग्रेवी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है। तो चलिए अब इसमें खड़े मसाले ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लवंग, एक चक्रफूल, एक तेजपत्ता, एक बड़ी इलायची और साथ में ही 3 से 4 छोटी इलायची ली है। अब इसे हम लो फ्लेम पर ही थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे। थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है तो इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे 15 काजू। आप चाहें तो इसमें काजू के साथ साथ बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे प्याज के साथ भी बाद में फ्राई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने ऐसा लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है। तो चलिए अब इसे ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो प्याज को छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लाइस किए हैं, आप अपने पसंद के कोई भी शेप में इसे कट करके ऐड कर सकते हैं। बस हमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो चलिए हम प्याज को 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन भी चला जाए और साथ में ही प्याज थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट के बाद प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। बेसिकली हमने जितना प्याज लिया था उतना ही टमाटर यूज़ करना है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और साथ में ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने टमाटर को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने पीस से ऐसा तोड़कर डाल दिया है और साथ में ही 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह 15 से 20 लहसुन की कली और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे काट कर डालते हैं तो प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप इसमें ये कटे हुए अदरक और लहसुन ऐड करें ताकि वो भी थोड़ी देर तक फ्राई हो जाए। देन उसके बाद आप उसमें टमाटर ऐड करें। मैंने यहाँ पे पेस्ट यूज़ किया है इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। तो चलिए अब इसे कवर करके 2 मिनट तक कुक कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद चलिए पैन का ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और साथ में ही मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो भी चली गई है। तो इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी और अब हम मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, साथ में प्याज भी गल जाए। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पैन को कवर कर देते हैं और इसे 5 मिनट तक हम लो हीट पर कुक कर लेंगे। इस रेसिपी में मसालों को अच्छी तरह से पकाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब मसाले अच्छी तरह से पकेंगे तभी ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम इन मसालों को ठंडा कर लेंगे ताकि इसका हम एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लें। तो इसे ठंडा करने के लिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे फैन के नीचे हम रख देंगे ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए और फिर उसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब सारे मसाले ठंडे हो गए हैं तो चलिए अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। आप चाहें तो इसी टाइम पर इसमें से कुछ खड़े मसाले निकाल सकते हैं जो हमने पहले ऐड किए थे, जैसे बड़ी इलायची, तेजपत्ता, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तब ये अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेजपत्ता और बड़ी इलायची निकाल लिया है। तो चलिए अब इसका हम एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेते हैं। मैंने इसे ग्राइंड करते वक्त इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं और उसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेस्ट रेडी है। आप चाहें तो इसे इस टाइम पर स्ट्रेन कर सकते हैं,
लेकिन मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड किया है तो मैं इसे ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर आप छानना चाहते हैं तो छान लें। तो चलिए, मसाला पेस्ट तो रेडी हो गया है, अब शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और मैं यहाँ पर पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस पसंद हैं तो आप भी फ्राई करके डालें, नहीं तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर का यूज़ किया है, जिसे मैंने मीडियम साइज़ के स्क्वायर शेप के पीसेस में कट कर लिया है। तो चलिए, अब इसे हम तेल में ऐड कर देते हैं और एक मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। फिर इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरे साइड से भी एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यानी हमें पनीर को बहुत ही थोड़ा फ्राई करना है, जस्ट उसका कलर चेंज हो जाए बस इतना ही। बहुत ही ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पनीर दोनों साइड से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम तेल में ही हम, यानी जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, उसी तेल में हम एक छोटा चम्मच बटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन बटर ऐड करने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले मैंने 3 बड़े चम्मच तेल यूज़ किए थे, अब हम इसमें एक छोटा चम्मच बटर ऐड कर देंगे। ध्यान में रहे कि आप जब भी बटर ऐड करते हैं तो गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, नहीं तो बटर बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। तो चलिए, बटर मेल्ट हो गया है तो इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को तेल में फ्राई करने से बाद में ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कुछ सेकेंड्स तक ही फ्राई किया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेडी किया हुआ मसाला पेस्ट और इसे जल्दी से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब जार में बचा हुआ बाकी का मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जार का सारा मसाला डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। हमने इस मसाले में काजू का यूज़ किया है तो काजू बहुत ही जल्दी पैन में चिपकने लगते हैं, तो इसलिए मसाले को हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए ही फ्राई करना है ताकि मसाले पैन में ना चिपके और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो मसालों को हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। मसालों को थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। चलिए, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, और इसे भूनते वक्त हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे तेल छूटने तक फ्राई करेंगे। हम जब भी कोई ग्रेवी में काजू का यूज़ करते हैं तो वो स्टार्टिंग में पैन में चिपकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मसाले फ्राई होने लगते हैं तो मसालों में चिकनाहट आने लगती है और वो खुद ही पैन से अलग होने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मसाले धीरे धीरे पैन से चिपकना बंद हो गए हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी चिकनाहट आने लगी है। तो हमें मसालों को ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, मसालों से तेल भी बाहर आने लगा है। तो इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। मैंने लगभग 1 गिलास पानी का यूज़ किया है और जिस ग्राइंडिंग जार में मैंने मसाले रेडी किए थे उसी में 1 गिलास पानी डालकर मैंने बचे हुए मसाले भी निकाल लिए हैं। तो चलिए, इसे इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप ग्रेवी की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन शाही पनीर की ग्रेवी थोड़ी थिक होती है, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी का ही यूज़ किया है। अब साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पे 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है और फिर उसे हाथ से अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। कसूरी मेथी ऐड करने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा अरोमा और बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड होता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। तो चलिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे और इसे भी एक बार जेंटली मिक्स कर देंगे। पनीर को ऐड करने के बाद हल्के हाथों से ही मिक्स करें, नहीं तो पनीर बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो टूट भी सकते हैं। तो चलिए, इसे मैंने एक बार मिक्स कर लिया है, अब पैन को कवर कर लेते हैं और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर कुक करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पर घर पे बने हुए फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है,
आप चाहें तो मार्केट का कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड किए हैं। आपको जितना ज़्यादा क्रीम खाना पसंद है आप उसमें उतना ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। तो चलिए इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम पैन को कवर करके इसे और सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। एक मिनट हो गए हैं, तो चलिए अभी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रीमी और रिच ग्रेवी वाली शाही पनीर रेडी है। आप इस शाही पनीर की रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर देखिए। बिलीव मी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं या आपको संडे स्पेशल लंच या डिनर मेनू प्रिपेयर करना है, तब भी आप इस शाही पनीर की रेसिपी को बनाकर सर्व कर सकते हैं। और आप ग्रेवी की थिकनेस देखिए, ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। हम जैसे होटल या रेस्टोरेंट में शाही पनीर खाते हैं, इसका टेस्ट उससे भी अच्छा रहता है। तो आप घर पर ही होटल से भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल और इजी क्विक तरीके से घर पर शाही पनीर बना सकते हैं। और इस शाही पनीर को आप नान, कुलचा, लच्छा पराठा या जीरा राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये टेस्टी और सिंपल शाही पनीर की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर बनाकर देखिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।